इसीलिए तुम्हें मना करता था कि इस आग में मत कूदो। तुम्हारी तुम्हारी दुश्मनी की वजह से वो लोग मेरी बहू को उठा कर ले गए। अब बताओ पूरे शहर में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? कुछ नहीं होगा उसे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा भैया को। क्या बातें करते हो तुम? जिस वक्त तुमने कुछ करना था उस वक्त तो कुछ किया नहीं है। अब क्या तुम्हारी बातें भैया को वापस ले आएंगी? या किडनैपर तुम्हें एड्रेस दे गए कि इस पते पे चले आना? इसकी कहानी सुनकर आपको तो यकीन आ गया, अकबर मुझे नहीं आया है। सिवाय झूठ बोलने के इसको आता ही क्या है? इसे खुशी मिलती है हमें अजियत देकर। सारे खानदान की इज्जत पर पट्टा लगा के रख दिया इसने। नरमीन, सोच समझ कर बात किया करो। अगर इसने भी यह कुछ पाया है तो क्या गोली भी इसने अपने आप को खुद ही मार ली? मेरा बच्चा भी मौत के मुंह से बाहर आया। तुम अकबर हुसैन, समझाएं आप इसे। और जो क्यामत मुझ पे टूटी है भाभी, उसका क्या करूं? मेरी बहू अगवा हुई है, और अगर पुलिस और मीडिया में ये बात आ गई तो कितनी जग हंसाई होगी मेरी। और ये सब इस बली की दुश्मनियों की वजह से हुआ है जो इसने अपने बहन के चक्कर में मोल ली है। हमारी बहू, हमारे खानदान की इज्जत न जाने कहां होगी इस वक्त। आपने गलती की अकबर, जो इसके साथ अपनी बहू को भिजवा दिया। यकीनन इसकी बहन का कोई चाहने वाला होगा जिसने ये हरकत की है। बस चाची, बस। इसे आगे एक लफ्ज भी मत बोलिएगा, वरना मैंने पूरी कोशिश की थी उसे बचा लूं। मैंने पूरी कोशिश की थी, काश मेरी जान चली जाती पर वो बच जाती, पर ये नहीं हो सका वहां। मैंने पूरी कोशिश की थी। नरमीन, खुदा के लिए मेरे बच्चे पे बोहतान लगाने बंद करो। मुझे यकीन है इसने हर मुमकिन कोशिश की होगी बिया को बचाने की। उसकी हालत तो देखिए, उसको गोली लगी है। कोई साजिश ही क्या अपने आप गोली मारता है खुद को, कि अपनी जान खतरे में डालता है वो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये फिक्र हो, जब दानियाल को पता चलेगा कि उसकी बिया अगवा हो गई है तो वो न जाने क्या रिएक्ट करेगा। फिक्र ना करो नरमीन, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह खैर करेगा।